हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज बात करते हैं इंडिया इंग्लैंड के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में, अब इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जी, आई एम नॉट जोकिंग, इट्स नॉट अ प्रैंक। एक्चुअली जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम, जिस पे लोगों की निगाहें थी, क्रिकेट फैंस की निगाहें थी, एवरीबॉडी वाज वेटिंग इन एंटिसिपेशन के जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम, जिसमें 110,000 फैंस की कैपेसिटी है, वो स्टेडियम जब इनॉग्रेट होगा 24 फरवरी को तीसरे टेस्ट के लिए इंडिया और इंग्लैंड के बीच, जो पिंक बॉल टेस्ट अभी शुरू हो चुका है, वो कैसा होगा जब ये इनॉग्रेट हुआ। इनॉग्रेट करने के लिए इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके बेटे जय शाह जो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंडिया के किरेन रिजिजू, ये सब वहां पे मौजूद थे। और उस वक्त ये अनाउंस किया गया कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं, गुजरात के सबसे बड़े आइकॉन में से एक हैं, उनके नाम पे जो स्टेडियम था वो चेंज होकर के अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। ये उस वक्त रिवील किया गया। बीजेपी को भी शायद ये पता था कि अगर पहले ये बात रिवील की जाती तो हंगामा हो सकता था, कंट्रोवर्सी हो सकती थी, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता था, तो उन्होंने इसको टॉप सीक्रेट के तौर पे बना करके रखा। और अब से कुछ देर पहले इसके नाम का अनाउंस किया गया। मुझे भी नहीं पता था, मैं बाहर गया हुआ था, जब वापस लौटा ये फ्लैश कर रहा था, तो आई थॉट इट वॉज अ जोक, आई थॉट कि जो ट्विटर पे ट्रेंड होता है तो ये सरकास्टिक कोई ट्रेंड कर रहा होगा, लेकिन जब देखा तो एक्चुअली इट्स अ ट्रूथ। और इसकी सच्चाई मैंने कैसे पता की, जो लैपटॉप मीडिया चैनल्स के जो टॉप एंकर्स हैं, जब उनके ट्वीट्स मैंने देखे और जिस कदर फख्र के साथ और प्राइड के साथ वो ट्वीट कर रहे थे, बजाय इसके कि इस पर सवाल करते और इसकी रैशनैलिटी पे इस पर सवाल करते, जिस तरह से ट्वीट कर रहे थे, मैं समझ गया कि बिल्कुल सही है ये। देखिए, ये फेक न्यूज़ तो करते हैं ये लोग, लेकिन इन सब मामलों में बहुत एक्यूरेट होते हैं। जो जहाँ पे हुक्म बजा लाना होता है सरकार का, वहाँ पे बहुत वफादारी से काम लेते हैं। तो मैंने फिर देखा कि ये बात सच्ची थी, तो बहरहाल एक तो ये बात है। उसमें सवाल क्या होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी सेन कंट्री में, जो सैनिटी जहाँ पे अभी भी बरकरार है, जो डेवलप्ड है, जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी और डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे आई कांट थिंक ऑफ, एंड मैंने बहुत देशों का दौरा किया है, मैंने कई सारे मुल्कों से मैंने क्रिकेट की रिपोर्टिंग की है, वहाँ पे मैंने नहीं देखा कि किसी लिविंग पॉलिटिशियन के नाम पे एक स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स एक बनाया गया हो। मिसाल के तौर पे बर्मिंघम में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यूके का एक शहर है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है बर्मिंघम, में अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, वहाँ एक स्टेडियम है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया स्टेडियम, जिसको ट्रैक एंड फील्ड के लिए, उसमें ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट होंगे। बहुत बड़ा स्टेडियम है, कहते हैं कि यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेडियम है, उसको रिफर्बिश किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले। इमेजिन दैट स्टेडियम इज गोइंग टू बी नेम्ड आफ्टर बोरिस जॉनसन, अगर उसको ये कहा जाए कि बोरिस जॉनसन स्टेडियम, चूंकि वो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, कैसा रिएक्शन होगा, आप लिख करके ले लीजिए, दूसरे दिन बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ेगा, लिख करके ले लीजिए, ये वहां की सैनिटी का तकाजा है। इमेजिन के मिशिगन में कोई एक स्टेडियम हो रहा हो यूएसए में, और उसका नाम रख दिया हो जो बाइडेन स्टेडियम, कैसा रिएक्शन होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसा रिएक्शन होगा। मैंने यही ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि शायद यही सब जो बेवकूफियां हैं दैट डिस्टिंग्विशेस, जो इंडिया को, जो रेस्ट ऑफ द सेनर वर्ल्ड है, जो जहाँ पे सैनिटी चलती है, उससे अलग थलग इंडिया को करता है। मतलब ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तो खुद इनकार कर देना चाहिए था, अगर कोई प्रपोजल, चूंकि प्राइम मिनिस्टर के आसपास चापलूसों की कमी नहीं होती है, तो उनके आसपास भी चापलूसों की बहुत बड़ी फौज होगी, लेकिन जिन लोगों ने ये प्रपोज किया होगा, मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद प्रपोज किया या उनकी जो चापलूसों की जो टीम है उन्होंने प्रपोज किया, इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, इन्होंने इसको ये कर दिया। जब मैंने ये ट्वीट किया तो जो फॉर्मर डिप्लोमेट, बाय द वे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसमें जर्नलिस्ट हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब इसको कंडेम कर रहे हैं। मैंने जो ट्वीट किया था उसके रिस्पॉन्स में केसी सिंह हैं, जो फॉर्मर डिप्लोमेट है, एम्बेसडर रह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। उन्होंने कहा दैट्स बिकॉज इन इंडिया पॉलिटिक्स इज अ टॉप स्पोर्ट, उनका ये कहना है कि पॉलिटिक्स जो इंडिया का सबसे बड़ा खेल है। मैं उसमें और ऐड करना चाहूंगा, पॉलिटिक्स इंडिया का सबसे बड़ा खेल है, ये एक सच्चाई है, लेकिन एक और सच्चाई वो ये है कि स्पोर्ट्स जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है।
यही हो रहा है। आप देखें कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन अमित शाह के बेटे हैं तो वो सेक्रेटरी हैं। और जितनी भी पॉलिटिकल मुद्दों पे जो लोग सरकार के सपोर्ट में जो आते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो हमने पॉलिटिसाइजेशन तो कर ही दिया है स्पोर्ट्स का, ये पता था। लेकिन ये भी जैसा कि केसी सिंह कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो खुद अब एक गेम बन चुका है, खेल बन चुका है, तो ये दोनों ही बातों के में सच्चाई है। बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे कहना था, आप लोग इस पर सोचिए कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें किस हद तक सच्चाई है। अगर आप जो भी आप इफ़ यू अग्री और यू डोंट अग्री विद मी लीव योर कॉमेंट्स, but do not forget to like and share this video and subscribe to our channel because this is the least you can do to support honest journalism. Take care, God bless you, stay safe.